कलाकारों की कोई कमी नहीं है, कलाकृतियां एक से एक प्रकार से करती है। तो जैसा कि एक इंसान, एक कारीगर ने, कोलकाता का एक कारीगर ने अपने हाथों से मूर्तियों का एक गांव बना दिया, पूरा मूर्ति से एक पूरा गांव बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी उसमें मूर्तियां लगी हुई होंगी। और एक गांव में जितनी प्रकार के जीव जंतु जानवर होते हैं, वो जानवर को भी सारा कवर कर दिया, सारा जानवर भी बनाया। मतलब एक गांव, जिस प्रकार से एक गांव होता है, उस प्रकार से एक मूर्ति तैयार कर दिया पूरा गांव से। तो आप समझ सकते हैं कि वह गांव कैसा होगा, कैसा दिखने में लगता होगा, कितना मजा आता होगा वहां पे घूमने में। तो चलिए हम इस वीडियो को दिखाते हैं कि वह गांव कौन सा है, कोलकाता का वह गांव कौन सा है, और कितने प्रकार की मूर्तियां वहां पे है, कितने प्रकार के इंसान है, किस प्रकार के मतलब जीव जंतु जानवर से है। तो चलिए फिर हम देखते हैं इस वीडियो को। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर देना था। चलिए फ्रेंड्स, मजा लेते हैं वीडियो का और वीडियो देखते हैं कि वह गांव कौन सा है और कितनी प्रकार की मूर्तियां वहां पे हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं यही वह गांव है जो एक कारीगर द्वारा बनाया गया, पूरा मूर्तियों, इंसान की मूर्तियों से पूरा गाँव बनाया गया है। और मतलब गांव में जैसा जैसा माहौल होता है, जो आर्थिक व्यवस्था होती है गांव की, जो दिनचर्या होता है लोगों का, काम काज करने का, पर दिन का, हर दिन का, वो सारा कुछ आपको इस गांव में एक मूर्ति द्वारा बनाया गया आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहां इस वीडियो में। एक बात और खास बात है फ्रेंड्स इस वीडियो में, कि आपको कभी भी इसमें आपको बोरिंग नहीं लगेगा आपको देखने में, क्योंकि आपके पूरा आपको जीवित लगेगा इसमें। जो भी मूर्ति आप देखेंगे आपको बिल्कुल जीवित लगेगा, पूरा जिंदा की तरह लगेगा। और गांव में जितना कुछ भी Thank you.